आप सबको जननायक जनता पार्टी की ओर से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजयदशमी की बात करा, अभी अंजनी एक चीज कही बड़ी इंटरेस्टिंग है, श्याग साहब वाले हूँ आगे लेके जा लूंगा। विजयदशमी ने तीन लोगों को वध हुआ है, कुंभकर्ण, मेघराज और रावण को, और थारे आगे भी तीन ही ऑप्शन है। कांग्रेस और इनेलो। तो आज मौका बहुत बढ़िया है, अगर प्रदेश में राम राज चाहो, प्रदेश ने सुधारना चाहो, तो फिर दशहरे पर हाथ उठाकर संकल्प लो कि एक एक साथी चाबी को बटन दबाकर जननायक जनता पार्टी ने पूरी तौर पर मजबूत भी करेगा। और ओम प्रकाश एओपी सियाग जी ने पूर्ण बहुमत आपनो विधायक चुनकर भेजे। इलाहाबाद आने का मेरे को मौका कम ही मिलता है, मगर इसी मैदान से जेजेपी की नींव रखी गई थी। आज है वो कुंद्री चौपाल का कार्यक्रम, जब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहला कदम आजादी की ओर रखा, परिवर्तन की ओर रखा। और इसी तरह महिलाओं का ऐतिहासिक समूह इकट्ठा हुआ, और उस समय श्रीमती नैना चौटाला जी के नेतृत्व में एक ऐसी लड़ाई इस गांव से मल्लाद सरपंच जी ने शुरू करी, जो आज प्रदेश में मजबूती से बात कर। उस दौरान मुझे याद है लोग कहा करते थे, ये तो 200-300 छोरों का टोल है, क्या कर रहा है कोई नहीं, क्या करता पूछो तो सही, 200-300 छोरा आ रहा तो 90 सीट पर लड़ा के चुनाव लड़ा सारों के लिए। मगर जो पार्टी आज 20-25 साल पहले बनाई, आज पार्टी कठे चुनाव लड़ा एक सीट, दूसरी सीट पर चुनाव लड़ा है तो बता दे। आज सारी की सारी इंडियन नेशनल लोकदल एक विधानसभा पर निपटा कर छोड़ती, और वो दिन दूर को नहीं जब इलाहाबाद की जनता अंगड़ाई लेवेगी और एक सीट भी को नहीं छोड़ा। बड़ो बहम फैलाया जाए, चुनाव आ गया अफवाहों का दौर पूरी तौर पर चले, वो कहेगा मारो समर्थन हो गया हो, मारो तो फैसलो हो गया हो। राजनीतिक तौर पर चौधरी देवीलाल से एक बात सीखी, और चौधरी देवीलाल के चौटाला साहब ने भी एक बात सीखी, तो पारिवारिक तौर पर फैसलो होने हुए हो जाएगा, और राजनीतिक तौर पर तो नहीं हो। और जब इलाहाबाद की लड़ाई की बात है, आज खुलकर कह दो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जेल में है, महाराज ओपी सियाग जी है आपके बीच में, चौधरी अजय सिंह चौटाला समझ कर इलाहाबाद की जनता ने कहा, एक एक वोट युवा साथी दुष्यंत बना लो और मजबूती होते इनको काम करो और चाबी को बटन दबाओ। आज जी कन्या की हालात आपने सलके ली, बड़ो दुख हुए कि एक ओर पर तो कमेटियां में चेयरमैन बनो चुनाव लड़े, दूसरी ओर पर नेता प्रतिपक्ष लोग रह लिया, महाराज एक रंगोई नाड़े तक आपने काम तक को नहीं ले गया। क्या अफसर आवे, अफसर चुनो लेके लाइन मार जाएगा, अधिकारी चार गाड़ी घुमा जाएगा। मैंने एक चीज तो बताओ, कोई एक कदम उठाए हुए हो, विवादो मैं करो थारो, इलाहाबाद की सीट ने जिता कर दे दो, बिल्कुल आपने राजस्थान बॉर्डर का गठन पा लिया। बुजुर्ग युवा साथियों, 5 साल बीजेपी का शासन रहा, और देखो मिली भगत बीजेपी और इनेलो की, कि 5 साल के अंदर 2 ई मंडी लागू हुई, एक करनाल विधानसभा की और दूसरी इलाहाबाद। कैंडिडेट खड़े हुए तो मुख्यमंत्री के खिलाफ इनेलो ने कैंडिडेट ली थी, इनसे पूछने का काम करो कि 5 साल ये क्या मित्रता थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब 80 लोग मर रहे थे, आग लग रही थी,
जब इनमें से किसी ने एक बार खड़े होकर आवाज उठाने का काम नहीं किया। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनके खिलाफ विधायकों को ले जाकर नारेबाजी करी, रिश्ते तोड़ दिए गए और केवल मात्र वोटों के लिए आज उनकी पार्टी से गठबंधन किया जा रहा है। SYL की खुदाई छोड़कर बुराई शुरू कर दी। साथियों, ये लोग कहते हैं पानी ला के दे देंगे, इनको पूछो तो सही कि 3 दिन जेल में रह के आए थे पंजाब की कि सतलुज यमुना लिंक का पानी लाए। हजारों कार्यकर्ताओं को प्रदेश के अंदर मुकदमों में डलवाने का काम किया कि SYL के लिए जेल भरी, और आज उसी SYL के लिए उल्टा कदम उठाने का काम किया क्योंकि हरियाणा प्रदेश में वोट थी। साथियों, आज आपको निर्णय लेना है। मैं तो इतना बोल सकता हूं, प्रदेश में अपराध पूरी तौर पर बढ़ चुका। हर रोज 1 मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती हरियाणा प्रदेश में होती है। आज किसी थाने में चले जाओ, ऐसी हालात है कि महिला थाने तो अपने आप में हमारे सामाजिक बंटवारे की एक नींव रख दी गई। मुख्यमंत्री से पूछ लो अपराध क्यों बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री कहते हैं नए नए थाने खोल दिए, इसका नतीजा है कि लोग केसेस रिपोर्ट कराने लगे। मगर साथियों, समझने की चीज है, जैसे वैसे पहले ओपी सियालजी ने कहा चिट्टा अपने इस इलाके में कहीं पहले दिखता था नशा, आज गांव गांव में ठेके खोल दिए। आज सिंथेटिक ड्रग्स चाहे वो हीरोइन हो चिट्टा हो घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा। मेरी उम्र के साथियों को आज पीड़ित किया जा रहा। इस कारण दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है। आज हमने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, 4th नंबर पर आ गए इस देश में आपराधिक प्रदेशों की श्रेणी। मगर एक चीज समझो आप कि एक और पर तो ये अपराध बढ़ रहा है और दूसरा एक अपराध और है जो किसान के ऊपर बढ़ रहा है, और वो अपराध है आवारा पशुओं का। किसान शायद खेत में पानी कम लगाता है लगाने जाता है, पर इन खुले पशुओं से निगरानी करने ज्यादा जाना पड़ता है। क्यों तंग हो को नहीं हो खगड़ाऊं हो नहीं हो, एक वादो मैं करूं राज बना दो इलाहाबाद जिता दो गुंडा हूं खगड़ाऊं मैं दिख छूट दिलाऊंगा। मगर कब होगा जब इलाहाबाद की सीट को मजबूती से आप लोग जीतो। साथियों, ये खट्टर साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह ली, इनसे पूछने का काम करो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए दिए गए पर 28% लोग बेरोजगार क्यों। इनसे पूछने का काम करो, आप तो किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई मगर आज कृषि मंत्री की आय 5 गुना होगी, इसका चमत्कार कैसे किया इसको बारे में बताने का बात। साथियों, खट्टर साहब से पूछने का काम करो कि प्रदेश के अंदर आप तो कहते थे कि 1 किलोमीटर तक बिजली फ्री में देंगे, आज हमारी ढाणियों के अंदर भी बिजली मीटर लगाने के लिए आपकी सरकार लाखों रुपए मांगने का काम कर रही है। ट्यूबवेल कनेक्शन जहां लोगों ने 5-5, 6-6 साल से फीस भरी हुई है वहां नए ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। इनसे पूछने का काम करो कि प्रदेश के अंदर किसान कैसे समृद्ध होगा जब उसकी जीरी कपास बाजरा सरसों मंडी में पड़ी होती है और उसको कह दिया जाता है तू जाके फरद कटवा कर ला, तेरी तो 1 किले की इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदे। साथियों, रोजगार की बात देखो, दशहरे के दिन 1 जीत हुई आपकी, पिछले दिनों SDO इलेक्ट्रिकल लगने थे, लिस्ट आ गई, हमने लिस्ट देख ली, पता चला 80 में से हरियाणा के 2 थे। आवाज उठाई, खट्टर के साथ सींग भिड़ाए, नतीजा क्या हुआ, आज दशहरे के दिन जीत हुई, उस लिस्ट को पूरी को कैंसिल इस सरकार को करना। इनने तो रोजगार का अधिकार भी हमारा छीन लिया। साथियों, प्रदेश के अंदर आज बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव के लिए आप सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। आज खट्टर साहब का घमंड देखो, वो चांदी का मुकुट महाराज दादा पहना रहा था, भारद्वाज जी
जैसे ही सिर पे लगाया फरसा गर्दन पे लगा के कह दिया गर्दन काट दो। मेरे आगे वो चढ़ा चुनाव लड़ रही है प्रेमलता जी, वो तो कहती है कोई आंख दिखाए आंख काट लेना। अनिल जैन आया, अनिल जैन कह गया दुष्यंत तो बांदर है आग लगाता घूम रहा है, अगर मैं बंदर हूं, बंदर तो हनुमान जी का भी रूप था, और जब इतने बंदर इकट्ठे हो जाए तो बंदर सेना है, और मैं आपसे पूछ लेता हूं क्या ये बंदर सेना तैयार है लंका को जलाने के लिए? साथियों ये बंदर सेना हमें बोलते हैं, इनको ये दिखा दो अगले 14 दिन के अंदर जैसे राम सेतु बंदरों ने बनाया था, हम 40 विधायक जीत कर चंडीगढ़ पर परचम लहराएंगे, लंका रूपी बीजेपी को इस प्रदेश से बाहर भगाएंगे। मैं तो आपसे निवेदन करना हूं, प्रार्थना करता हूं कि अब समय कर है पार्टी की 16 घोषणाओं को घर घर पहुंचाने का काम करो, और साथियों घर घर पहुंचाने के लिए आज आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। जहां युवाओं की बात है, ये खट्टर साहब की देखो पहली खासियत, इनको अपने आप को ईमानदार घोषित करने के लिए भी सरकारी पैसा खर्चना पड़ता है। मैंने तो पहली सरकार देखी जो ऐड लगाती है ना पर्ची ना खर्ची, और आज टीवी ऑन कर लिया टीवी पे चल गया होगा ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार। कोई बेईमान आदमी अपने आप को बेईमान बोलता है? 5,000 करोड़ का ओवरलोडिंग घोटाला कर दिया ईमानदार सरकार, 1,000 करोड़ का किलोमीटर स्कीम घोटाला कर दिया ईमानदार सरकार, 100 करोड़ रुपए के बिजली मीटर घोटाला कर दिया ईमानदार सरकार, 25 करोड़ रुपए SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए ईमानदार सरकार, 1 करोड़ में जुडिशरी का पेपर बिकता हुआ पकड़ा गया ईमानदार सरकार, 2.5 लाख के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर बिकता हुआ पकड़ गया ईमानदार सरकार। साथी ईमानदार नहीं, ये तो बेईमानों की सरकार है जिनने ग्रुप डी में हमारे पढ़े लिखे MCA MTech करे हुए बच्चों को, PhD करे हुए बच्चों को चपरासी लगाने का, फोर्थ क्लास नौकरी लगाने का काम कर दिया। आज इस बेईमान सरकार को बदलने का समय आ चुका, और युवा साथियों से मैं वादा करता हूँ सारी लड़ाई मैं लड़ू और लड़ते रहूंगा। ये लड़ाई खातर एक वादो मेरो भी है कि थे राज बनाओ जिया चौधरी देवीलाल जी पहली कलम हो पेंशन लागू करी, हरियाणा प्रदेश की सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट नौकरियां में 75% हिस्सेदारी एक एक हरियाणा की। जैसे मैं ना बुजुर्गा के सम्मान की बात, आज बुजुर्ग बैठे पेंशन मिला 2,000 मगर सम्मान को नहीं बचे, सुबह सुबह बैंक में जाके बैठे सामने मिले 2,000 रुपए, कई बारी तो 2-2, 3-3 महीना पेंशन को नहीं आवे धरने पर बैठना पड़े, बुजुर्गो का सम्मान वापिस लौटाने की जरूरत। और वादो मारो जद पार्टी की नींव रखी जद कहो कि मारी दादी ने 55 साल की, चाची ने 55 साल की उम्र में, और मारी मारे ताऊ ने 58 साल, जद कर्मचारी 58 साल की उम्र में हुए तो थे क्यों 60 तक इंतजार करो घर बैठा। दिया चौधरी देवीलाल जी दिया करता घर बैठा, और 2,000 को नहीं 5,100 रुपए हर व्यक्ति ने पेंशन दिया। और एक चीज बता दू, जब 5,100 बुढ़े की आवेगी और 5,100 बुढ़िया की आवेगी तो घर में 10,200 महीने की आवेगी, 700।